नमस्कार, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हेल्दी खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये चार लोगों के हिसाब से है। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी साफ़ किए हैं चावल, धोए हुए और साफ करके धोए हुए हैं, और एक कटोरी दाल मूंग की छिलके वाली, नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर और घी, और ये पानी। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कुकर रखेंगे। उसमें ये एक कटोरी चावल, ये दाल, और ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। हमें एक कटोरी चावल, एक कटोरी दाल के साथ में चार गिलास पानी इसके। हमने ये चार गिलास पानी से कर दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मैं इसमें एक चम्मच डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें दो चम्मच घी डालेंगे गाय का। अब हम इसे ढक देंगे, कुकर लगा देंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और दो सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। सीटी निकल गई है, अब हम इसे खोल लेंगे। ये हमारी खिचड़ी बन चुकी है, तैयार हो गई है, अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।